पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति, पूर्व एमएलसी रामबलि चंद्रवंशी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो तीन चेहरे हैं जिन्होंने रविवार को पटना में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के संगठन का दामन थामा है। आनंद मिश्रा वही हैं जिन्होंने बक्सर में निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी उम्मीदवार की हार की वजह बने। वैसे तो इन तीनों की अभी कोई बहुत बड़ी राज्यव्यापी सियासी पहचान नहीं है, लेकिन इन्हीं जैसे छोटे छोटे सैनिकों को साथ लेकर प्रशांत किशोर बिहार में अपनी बड़ी सियासी सेना तैयार करने में जुटे हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं और बाकायदा इसी को अंतिम रूप देने के लिए कल पटना में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है, इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। और जितना लोग उसे सोच रहे हैं कि भी आप ही बहुत लोग चुनेंगे तो हम चुनावे में नहीं, हम चुनाव में नहीं है। एनडीए और महागठबंधन में जिन नेताओं को जगह नहीं मिल पा रही उन्हें साथ लेकर पीके एक तीसरा विकल्प खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीके के लिए बिहार में जगह नहीं बची है। जन सुराज पार्टी माननीय प्रशांत किशोर जी बना रहे हैं, राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति के जितने छूटे हुए कारतूस हैं उस सब उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हो गए, जबकि सच्चाई है कि माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति का व्यवसायिक इस्तेमाल करते थे। जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है वही लोग प्रशांत किशोर के यहाँ जा रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि ये टेंट लगाने वाले हमारा भलाई कभी नहीं कर सकते हैं और आगे भी ठगने का ही प्लानिंग है इनका। कोई इधर उधर जो भी हो रहा है ये सब जब जब मौसम आता है चुनावी मौसम तो इस तरह के बहुत देखने के लिए मिलता है। पूरी ठाकुर हैं, जन नायक कहा जाता है, उनकी पोती ने कल उनका दामन थामा है। कर्पूरी ठाकुर जी का आत्मा भी कराह रहा होगा। विपक्ष का दावा अपनी जगह, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि पदयात्रा के जरिए पीके ने सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग में अपनी पकड़ बढ़ाई है। पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव में घूमकर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। अब एनडीए और इंडिया को कितनी चुनौती दे पाएंगे ये वक्त बताएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीके मोदी के रणनीतिकार रहे, 2015 में लालू नीतीश की दोस्ती में उनकी अहम भूमिका रही, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें रणनीतिकार से राजनेता बना दिया। शुरुआत उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से की, लेकिन वहां से निकलने के बाद पहले उन्होंने अपना सामाजिक संगठन बनाया और अब उसे राजनीतिक रूप देकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं।